हाय, माय नेम इज मोहसिन। यू नो, नाम तो सुना ही होगा। यू आर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल वेरी इम्पोर्टेंट नॉलेज। सो आज मैं आपको एक इम्पोर्टेंट नॉलेज देने जा रहा हूँ। वो ये है कि हाउ इज प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंक। इंक का प्रोसेस कैसा किया जाता है, इंक कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि इंक की यूजेस कहाँ कहाँ होती है। जस्ट लाइक जैसे पेन में इंक का यूज होता है, प्रिंटर में इंक का यूज होता है, पेंटिंग में, ड्राइंग में, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन में, बैनर में, फ्लैग्स में, विजिटिंग कार्ड्स में, आपके शादी कार्ड्स में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, और भी बहुत से ऐसे काम है जिसमें इंक का यूजेस किया जाता है। इसके पहले कि आप मेरी पूरी ही वीडियो फ्री में देखें, जो कि एक्चुअल में फ्री में है, नीचे दिए गए लाइक बटन पर क्लिक कर दे और सब्सक्रिप्शन बटन पर भी क्लिक करके रेड कलर को ब्लैक कलर कर दे और बाजू में दिए गए बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दे, ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नॉलेज आपको बाय नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, ये बंदा इस टैंक के अंदर में कुछ केमिकल्स पाउडर्स मिक्स कर रहा है, जो कि इनके फार्मूलाज में होता है। एक्चुअल में इसके अंदर में ऑलरेडी कुछ केमिकल्स मिक्स कर चुके हैं और जो कि इनके फार्मूलाज में होता है। और देखिए, ये ब्लू कलर की इंक बन रही है और इस टैंक में टाइम टू टाइम जो कुछ भी इनके फार्मूलाज में होता है वो कंटेंट्स इसके अंदर में मिक्स किए जाते हैं। मैं आपको ये दिखा दूं कि ये ब्लू कलर कि इंक किस तरह से इसके अंदर में मिक्स हो रही है। ये देखिए, टैंक के अंदर में ब्लू कलर की इंक इसके अंदर में मिक्स हो रही है और ये कुछ लिक्विड फॉर्म में भी ये सीक्रेट्स केमिकल्स होते हैं, जो कि इसे भी उसके अंदर में टैंक में मिक्स किया जाता है। देखिए, ये कुछ अपने माप तोल के हिसाब से ये बकेट के अंदर में ये सीक्रेट्स जो लिक्विड है इनका, ये लिक्विड केमिकल को निकाल रहे हैं और इसे वो इंक टैंक के अंदर में मिक्स किया जाएगा। देखिए, ये टैंक के अंदर में डाल रहे हैं। ये ब्लैक कलर की इंक इस टैंक के अंदर में प्रोसेस की जा रही है। देखिए, मैं आपको इसके अंदर में ब्लैक कलर की इंक किस टाइप से मिक्स हो रही है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ब्लैक कलर की इंक है, ये भी उसी तरह से मिक्स हो रही है जिस तरह से ब्लू इंक मिक्स हो रही थी। इसका प्रोसेस अभी स्टार्ट है। आफ्टर टैंक प्रोसेसिंग यहाँ टेस्टिंग की जाती है और फाइनल प्रोसेसिंग की जाती है, और यहाँ सभी कलर की इंक की फाइनल प्रोसेसिंग की जाती है। देखिए, ब्लैक कलर की इंक है, यहाँ ये ब्लू कलर की इंक है, सबकी यहाँ इन ऑटोमेटिक मशीन में लास्ट प्रोसेसिंग की जाती है और इसके बाद में इन सब ही इंक की पैकेजिंग की जाएगी। ये ब्लू कलर की इंक है, देखिए ये अंदर ही अंदर ऑटोमेटिक प्रोसेस किया जाता है और इनकी टेस्टिंग टाइम टू टाइम की जाती है। और ये देखिए, रेड कलर की है, ये मैं आपको इसका ढक्कन उठा के दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इस तरह से ये प्रोसेस से गुजर रही है इंक, और यहाँ इसकी टेस्टिंग भी की जाएगी कि इंक 100% कंप्लीट हो गई है नहीं हो गई है। और ये देखिए, ये ब्लू कलर की इंक है, इसकी भी टेस्टिंग की जाएगी कि ये कंप्लीट हो चुकी है या नहीं है। उसके बाद ही इसे पैकेजिंग डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड किया जाएगा बाय पाइप और इसकी पैकिंग की जाएगी। यहाँ सभी कलर की इंक का फाइनल प्रोसेस इस जोन में किया जाता है। और ये मशीनरी मेड इन जापान, मेड इन जर्मन की होती है। इंक इज रेडी फॉर सम यूजेस, और जैसा आप देख सकते हो कि यहाँ बैकेट में इसकी पैकिंग की जा रही है, और यहाँ भी आप देख सकते हो कि येलो कलर की इंक भी रेडी हो चुकी है और इस येलो कलर इंक को भी बैकेट में पैक किया जा रहा है। और आप बाजू में रेड कलर की इंक भी देख सकते हो, उसे भी बकेट में ही पैक किया जाएगा। ब्लैक कलर की इंक भी रेडी हो चुकी है और इसकी पैकिंग की जा रही है, और इसकी पैकिंग कर अदर्स कंपनीज को सेल कर दिया जाएगा, और अदर्स कंपनीज इसके डिफरेंट डिफरेंट पैकिंग कर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी बनाकर इसे अपने नाम और अपने ब्रांड पर मार्केट में उतार देगी। और इसके फिर यूजेस फ्लैग्स, बैनर, प्रिंटर्स, विजिटिंग कार्ड्स, शादी के कार्ड्स और जो कुछ भी यूजेस होती है वो सब यूजेस में ये अवेलेबल हो जाएगी।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। ओके।